एक छोटी सी मासूम बच्ची जो नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में शामिल हुई। नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया शेख। आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर काफी विरोध जताया जा रहा है, और ये विरोध जो है वो अकेले मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे देशवासियों। दीवारों की शक्ति, DK वॉल पुट्टी, दो बोरी के बदले एक बोरी में काम, यही है DK वॉल पुट्टी की पहचान। DK वॉल पुट्टी करता है डबल कवरेज का वादा। डी कुमार केमिकल्स, 91/B इंडस्ट्रियल एरिया, वाजरा लेआउट, पीली नदी, कमटी रोड, नागपुर, 4400026, महाराष्ट्र, कॉल 9373। हिंदू, मुस्लिम, दलित और सिख, ईसाई, ये सब मिलकर ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं 1947 के बाद, वह है नागरिकता संशोधन बिल की। आज नागपुर में भी निकाला गया है चटनीस पार्क के पास में, जहां काफ़ी लोग यहां मौजूद थे, लेकिन विशेष तौर पर जो बच्चों को नहीं समझ पाता, आज वो भी बच्चे नागरिकता बिल के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम मरियम है, और वो बच्ची, एक मासूम बच्ची जिसे कुछ नहीं समझता, आज वो आंदोलन में शामिल हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आंदोलन में शामिल हुई है। तो आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, क्या नाम है बेटा आपका? मरियम। यहाँ आप किसके लिए आए थे? बहुत सारे लोग थे यहाँ, है ना? कौन सी क्लास में है आप? फर्स्ट क्लास में है। ये मरियम, जिसको अभी कुछ नहीं समझता, एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसे देखिए कि किस बन सवर कर यहाँ वो इसलिए आई कि वो अपने समाज और देश के लोगों को एक मैसेज जाए कि ये बच्ची जिसको कुछ नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो देश और दुनिया के सामने। सबसे बड़ी बात ये है दर्शकों, मैं आपको और एक बात बताता चलूँ कि देश में अभी हाल ही में दिल्ली में JNU कई जगहों पर NRC को लेकर काफ़ी धमाल मचा हुआ है पूरे देश में, लेकिन यहाँ तक के जो महिलाएं होती हैं जो अपने घर में बच्चों का पालन पोषण करती है, अपने परिवार को संवारती है, बच्चों को स्कूल भी जाती है, वो लेडीज़, वो औरतें, वो महिलाएं आज और कल सड़क पर उतर चुकी है। तो इन बच्चों से मैसेज जाता है कि मुस्लिम समाज को नागरिकता संशोधन बिल बिल्कुल भी वो पसंद नहीं कर पा रहे हैं। मर जाएंगे लेकिन देश नहीं छोड़ेंगे, और हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये बच्ची जो काफ़ी नासमझ बच्ची है, लेकिन वो देश के लिए आज भी मर जाने की बात करती है। तो इससे देश का प्रेम, सद्भावना और प्यार झलकता नजर आता है। कैमरामैन तौफीक शाह के साथ रिया शेख, TNN 24 न्यूज़।